नमस्कार दोस्तों, कक्षा 7 प्रथम सत्र में हमने 4 इकाई पूरी कर ली है। 4 इकाई के बाद आता है पुनरावर्तन 1। आज हम पुनरावर्तन 1 के प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने जो 4 इकाई पढ़ ली है, उन इकाइयों में से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उसके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, सुबह उठकर हर रोज चिड़िया खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? कुत्ते ने सेठ को वह जगह बताई जहां चोरों ने चोरी का माल छुपाया था। हम जानते हैं, एक बार सेठ के घर चोर आए थे और बहुत सारा धन लूट के ले गए थे। कुत्ते ने वो जगह देख ली थी और अपने मालिक को बताई। इस तरह सेठ का सारा सामान कुत्ते की वजह से वापस मिला, तो सेठ ने खुश होके कुत्ते को मुक्त कर दिया। प्रश्न तीसरा है, ईश्वर ने मनुष्य को किस से श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। चौथा प्रश्न, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने पैसे उधार देने के बदले में बंजारे का कुत्ता गिरवी रखने की शर्त रखी। हम जानते हैं, बंजारे के पास और कोई कीमती चीज नहीं थी, इसलिए सेठ ने कहा कि तुम अपना यह कुत्ता ही गिरवी रख के जाओ। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? अंतिम प्रश्न है ये। पृथ्वी पर जब बारिश आती है तब हरियाली छा जाती है। चौथा और पांचवा दोनों प्रश्न शब्दकोश के क्रम में लिखना है। चौथे प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं वो अलग अलग वर्ण से शुरू होते हैं और पांचवे प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं वो च से ही शुरू होते हैं। पहले हम चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथे प्रश्न में सबसे पहला शब्द आएगा अपूर्व, क्योंकि वह स्वर से शुरू होता है। उसके बाद कार्य, चिंता, ज्ञान, ये जो ज्ञान शब्द है, हम जानते हैं उसका सही उच्चार ज्ञ है, तो वह ज की लाइन में आएगा। पर्यटन, उसके बाद प्रसाद, पहले पूर्ण व्यंजन और उसके बाद जो जोड़ाक्षर होते हैं वह आते हैं। विद्यार्थी और हल्दी, इस तरह से हम सभी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगा सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच और चंद्रिका। हम जानते हैं, कोई भी वर्ण से शुरू होने वाला शब्द पहले उसके ऊपर जो अनुस्वार आता है वह शब्द पहले आता है। चंद्रिका शब्द पहले आएगा क्योंकि च के ऊपर अनुस्वार है, और उसके बाद च आएगा, चम्मच। ठीक है, च के बाद
चा चारण, उसके बाद ची चिराग और अंत में चौकोर। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। यहाँ पे जो परिच्छेद दिया गया है उसको आपको अच्छे अक्षरों में जैसे लिखा है ऐसे ही सभी विराम चिन्हों के साथ सुलेखन करना है अपनी हिंदी की नोटबुक में। तीसरा प्रश्न है, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं टीवी देखने के लाभ। टीवी देखने के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे हम दुनिया के किसी भी जगह की खबर अपने टीवी से ले सकते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल लगा के हम ये कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चैनल्स और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें प्रकृति से जोड़ते हैं, वो भी हम टीवी पे देख सकते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो अलग अलग भाषाओं में आते हैं, तो उन भाषाओं का हम चयन कर सकते हैं, उन भाषाओं को हम सीख सकते हैं। बात करते हैं हानि की, टीवी में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम भी आते हैं जो बच्चों के लिए योग्य नहीं है, जिसमें सिर्फ हिंसा दिखाई जा सकती है। ऐसे कई प्रोग्राम हैं जो सामाजिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम हमें नहीं देखने चाहिए। देखा जाए तो टीवी एक दो धार वाली तलवार जैसा है जो किसी भी वक्त हमें काट भी सकती है, और वही तलवार से अगर हम चाहे तो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को भी काट सकते हैं। क्या प्रयोग करना है वह हमारे ऊपर निर्भर है। इस तरह टीवी देखने के लाभ भी है और हानि भी है।